नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामने राजकीय इंटर कॉलेज है, जो कि 1921 में बनाया गया था। झांसी बुंदेलखंड की पावन धरती पर बना यह सबसे प्राचीन स्कूल है, और जिसका कि हम आपको इस समय पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, और इसके अंदर से लेके इसमें क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से अब यह नज़र आने लगा है, और पहले क्या गतिविधियाँ हुआ करती थी, यह हम आपको पूरा दिखाएंगे। क्योंकि इसके साथ कई छात्र छात्राओं की यादें जुड़ी हैं, कई हमारे यहाँ से बड़े बड़े पदों पर लोग गए हैं, डॉक्टर, देश के नामी माने राजनेता से लेकर मंत्री, कई बड़े लोग बने हुए यहाँ के। यहाँ का जो पुरातन छात्र संगठन है वह भी यहाँ पर बना हुआ है। हम आपको अब अंदर लिए चलते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर अध्ययन किए हों तो आपको याद आता होगा कि यह वो मैदान है जहाँ पर हम लोग प्रार्थना किया करते थे। यहाँ पर जिस मैदान जो आप देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल यह सीमेंट और कंक्रीट का बना दिया गया, लेकिन पूर्व में यह काफ़ी कच्चा मैदान था और बड़ा मैदान था, जहाँ पर हम लोग, आपको शायद याद आता होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रार्थना स्थल हुआ करता था, घंटा लगता था, प्रार्थना हुआ करती थी। और इसके बाद यहाँ पर ये इस समय बंद है, पहले हम आपको अंदर लिए चलते हैं। ये हमारे GIC कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जो भाग निर्धाता हैं बच्चों के, ये खड़े हुए हैं। हम आपको उसके अब अंदर एंट्रेंस में ले चलते हैं, देखेंगे आपको। जैसे जैसे आप ये देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हम इस कॉलेज में किस प्रकार से खेलियाँ करते थे, खेलते थे। यह बड़ा बरामदा है, जो बड़ी क्लास सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पे जो आपको चैनल दिखाई दे रहा होगा, यह बड़ी क्लास का। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा हो गया, बदल गया है काफ़ी कुछ। यह बड़ा हॉल हुआ करता है, इसमें देखिए नक्काशी काफ़ी बदल के की गई है, और यह बड़ा हॉल है। यह जो हम आपको सामने ये दिखा रहे हैं, पश्चिमी विंग अब यहाँ से बदल गया है। कक्ष संख्या यहाँ 12 से 23 तक हो गई है। ये जूनियर क्लास का सेक्शन हुआ करता है। चलिए इसको अंदर ले चलते हैं थोड़ा आपको। ये देखिए आपको दूर तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से साफ सफेद के साथ आपको नज़र आएगा, जितनी साफ शायद पहले हम लोग जिस ज़माने में हम आप लोग पढ़ते थे उस ज़माने के से ही तरह आपको दिखाई देगा। और काफ़ी बदलाव के साथ, जैसे कि बताया गया है कि सौंदर्यीकरण के लिए, इसके पुनरुद्धार के लिए जो बजट आया था, उसके बाद इसका स्वरूप आप बदला हुआ देख रहे हैं। आपको अगर मानस पटल पर याद आते होगा तो यह वो दृश्य हैं, वो जगह हैं जहाँ हम आप लोग बैठ कर अध्ययन करते हैं। क्लासें देख सकते हैं आप अंदर से। ये देखिए क्लास है जिनमें हम आप लोग पढ़ते थे, अभी भी छात्र छात्र पढ़ते हैं, लेकिन ये वो क्लासें हैं जिसमें एक दौर में आपकी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। कक्षा 1 से और कक्षा 6 तक का यह स्थल शिक्षा का है, जो उस पुराने समय में जैसा निर्धारित था, अब पता नहीं इसको किस तरह से स्वरूप में चेंज किया गया है। क्लासें वही हैं, वही तरीका है, मैदान बदल गए हैं, काफ़ी सुविधाओं का विस्तार हो गया है। मैदान देखिए आप, ये जो छोटा कक्ष का मैदान है वह काफ़ी बदल चुका है। बिल्डिंग्स देखिए आप कितनी खूबसूरत है, सामने पानी का इंतज़ाम कर दिया गया है। ये क्लासें हैं, ये अंदरूनी क्लासों का आपको हम नज़ारा दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए एक एक आपको ईंट कोना देखने के बाद निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा, और यादें आ रही होंगी कि ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहां हम आप लोग शिक्षण काल के दौरान खेलते थे, कूदते थे, मौज मस्ती किया करते थे, क्योंकि उस समय गुरुजनों का विशेष स्नेह हम लोगों पर हुआ करता था। ये देखिए अपने कितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई हैं।
और काफ़ी बदलाव किया गया है, बदल गया है काफ़ी कुछ। आप देखेंगे कितना, देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यह पाकि में राजकीय इंटर कॉलेज झांसी है, कितना अजब सा है और कितना खूबसूरत है। एपेक्स बिज गए हैं मैदान में, पहले एक अच्छे मैदान हुआ करते थे जिस समय, पुराने की दौर की बात कर रहे हैं हम, तो पुराने दौर में कच्चा हुआ करता था। यह अंदर हम आपको ले चलते हैं, यह प्रिंसिपल प्राचार्य कक्ष है का ये प्राचार्य कक्ष है और यह वाइस प्रिंसिपल कक्ष है। तो फिलहाल हम आपको अभी इस हिस्से को दिखा रहे हैं और इसके बाद आपको अन्य, ये देखिए प्राचार्य कक्ष, ये अंदर की ओर जाने वाला जो हिस्सा है जहाँ से क्लासें बदल गई है, स्वरूप बदल गया है। 26 साल। क्या नाम है सर आपका? कुछ बदलाव हुआ है अब इस स्कूल? हाँ, आपने सर यहीं पढ़े हैं? आप पढ़े हैं यहाँ पर? नहीं, पढ़े हैं। आप पढ़े भी हैं? कौन से सन में पढ़े? हम 84 से लेकर 90 तक पढ़े हैं। देखिए आप, जो हॉल मैंने आपको दिखा रहा था, ये अब हॉल इसको कितना खूबसूरत कर दिया गया है। ये देखिए अंदर का हॉल का आप नज़ारा, कितना विशाल और भव्य हॉल है ये, और कितना अच्छा लगने लगा है। इसके स्वरूप को काफ़ी बदला गया है। यहाँ पर देखिए आप, बैठने के लिए काफ़ी सारे स्थान हैं और कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़ा इलाका है ये, अग्निशमन यंत्र भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब हम आपको इसके अंदर के दूसरे हिस्से की ओर ले चलेंगे, क्योंकि आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको यह वाला हिस्सा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।